चला गया मेरा बेटा, 10 दिन हो गए उसे देखे हुए। कौन हो तुम? जिसके लिए परेशान है उसे ही नहीं पहचान रहे हैं पिताजी। तुम कनिष्क हो? थे कहां? मैं चंद्रमुग्धा प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में तपस्या कर रहा था पिताजी। चंद्रमुग्धा प्राप्त करने के लिए मुझे अपना रूप भी त्यागना पड़ा। अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगा पिताजी। आपको अपने बेटे की शक्तियों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने वो करिश्मा कर दिखाया है जो असंभव था। मैंने चंद्रमुग्धा हासिल कर लिया पिताजी। अब तो आपको अपने बेटे के ऊपर गर्व है ना? गर्व? हर बार एक नई सी चीज लेकर आते हो, बेकार सी चीज। बेकार सी चीज? ये चंद्रमुग्धा है पिताजी। क्या करूं इसका? अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। अब आप वो करेंगे जो आपके महाराजा यानी कि हम आपसे कहेंगे। अपना मुकुट अपने महाराजा को पहनाइए। ये माला आपके महाराज के ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमने नहीं, आप ही ने किया है पिताजी। ये सब इसी चंद्रमुग्धा का कमाल है। आप सम्मोहित हो गए थे पिताजी। ये चंद्रमुग्धा बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल अब मैं अमृता पे करूंगा। ऐसी हैं हमारी दोनों भांजियां। अरे भाई साहब, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हमारी भांजी हमसे नाराज है तो हम उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेने गए थे। सांप सीढ़ी? अमृता, आज से हम जो भी खेल खेलेंगे अमृता के साथ ही खेलेंगे। नहीं मामा साहब, हम परी के साथ खेलेंगे। अरे बेटा, मामा से इतना प्यार से कह रहे हैं, थोड़ा खेल लो ना। चलो आप जाओ, हम परी को ले जाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। आप शुरू करो। चार? क्या बात है, अरे वाह।
मेरी गोटी को तो सांप खा गया। लगता है काफी गहरी दोस्ती है सांपों से आपकी। सारे सांप आप ही की तरफ हैं। जी, वाह, हम तो जीत गए। अरे वाह, आपने तो हमें हरा दिया। मामा साहब, आप हमसे कभी जीत नहीं पाएंगे। ये छोटे छोटे खेल तो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हें जितवा रहा हूं। अभी असली खेल तो बाकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और जैसे ही हम जंगल में शिकार करने पहुंचे, फिर बताइए क्या हुआ होगा। अब हम कैसे बता सकते हैं, शिकार करने तो आप गए थे ना। चलिए हम ही बता देते हैं। अंधेरी रात थी, सन्नाटा, और हम जंगल में अकेले चले जा रहे थे। फिर आप बताइए दीदी सा, क्या हुआ होगा। आपने शिकार किया होगा। शिकार तो हम तब करते जब हमें शेर मिलता। छोटे मोटे शिकार का तो हमें शौक ही नहीं, लेकिन हमने भी सोच लिया था कि शिकार तो हम शेर का ही करेंगे। हमने भी बंदूक निकाली और घुस गए जंगल में। फिर आप बताओ अमृता, क्या हुआ होगा। हमें नहीं पता। सोचो। आप किस्सा सुना रहे हैं या पहेलियां पूछ रहे हैं। हम बताते हैं। अच्छा, क्या हुआ था। मामा साहब जंगल में घूम घूम के थक गए, लेकिन उन्हें शेर नहीं मिला। वो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए, है ना मामा साहब। मुझे पता करना ही होगा कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारे हाथ लग गई है अमृता। अब देखता हूं तुम्हें कौन सी शक्ति बचाती है।